औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मुदस्सिर अली मिनहास फ्रॉम प्रॉपर्टी डील्स रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। जी व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक केनाल का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत घर। व्यूअर्स, आप घर का फ्रंट एलिवेशन देख रहे हैं, ऑनर ने स्पेनिश अंदाज में इस घर को डिज़ाइन किया हुआ है। इस घर की लोकेशन DHA Phase 6 लाहौर है और बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया। इस घर को स्पेनिश अंदाज में डिज़ाइन किया गया, आपको ड्रोन व्यूज़ दिए जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस घर की अगर अकोमोडेशन की बात की जाए तो 5 बेड्स की अकोमोडेशन पे आपको ये घर मिल जाता है। 4 गाड़ियों की कार पार्किंग स्पेस है इस घर के अंदर, और इस वीडियो के अंदर हम आपको मुकम्मल इस घर की प्राइस, इसकी डिटेल, इसकी स्पेसिफिकेशन सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रॉपर्टी डील्स ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। रोड की विजिबिलिटी आप देखें, खूबसूरत रोड है, आपको लेफ्ट साइड से भी दिखा देते हैं इस घर का रोड। आप देखें जी, नीट एंड क्लीन कारपेट रोड है और बहुत ही प्यारा इस घर का रोड है। घर भी बहुत प्यारा है, आपको घर के अंदर लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको एक्सटर्नल लॉन मिलता है, आपको इस घर का डोर देखें, बड़ा खूबसूरत डोर मिल जाता है, और पूरे घर को स्पेनिश थीम में तैयार किया गया है। गैराज एरिया में आपको लेके आए, आप गैराज में देख सकते हैं 4 गाड़ियों की कार पार्किंग स्पेस है। सामने आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे काम मिलता है जिसके अंदर मोज़ेक काम किया गया है, सीलिंग भी खूबसूरत है, और इसी तरह से लेफ्ट साइड पे आपको टोटल टाइल वर्क, पूरे गैराज में टाइल वर्क मिलता है। इंटरनल लॉन इस घर के अंदर आपको मिल जाता है, आप देख सकते हैं इंटरनल लॉन को बड़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे आपको पाम के ट्रीज मिल जाते हैं, और इसी तरह से व्यूवर्स इसका यहाँ से आपको फ्रंट दिखाते हैं, खूबसूरत फ्रंट है इस घर का। आपको मेन डबल हाइटेड लॉबी से अंदर लेके चलते हैं, डबल हाइटेड लॉबी पे इस घर को डिज़ाइन किया गया है। आप ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे मोज़ेका, राइट साइड पे मोज़ेका काम है। जैसे ही आपको अंदर लेके आते हैं तो व्यूवर्स अंदर आते ही हमें डबल हाइटेड लॉबी मिल जाती है। इस डबल हाइटेड लॉबी के अंदर ही आपको स्टेयर्स मिल जाती हैं। लॉबी आप देखें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में डिज़ाइन की गई है, और इसी तरह से व्यूवर्स आपको बताते चलें कि राइट साइड पे आपका लाउंज एरिया है, आपको लाउंज एरिया से अंदर लेके चलते हैं। आप ये देखें प्रॉपर यहाँ पे ड्राइंग रूम एरिया आपको मिल जाता है। प्रॉपर आप देखें यहाँ पे वॉल्स के ऊपर डिज़ाइनिंग, खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है इसका लाउंज एरिया। आपको फायर प्लेस भी यहाँ पर मिल जाती है, सीलिंग खूबसूरत है, फैंस इंस्टॉल्ड है इस घर में, इन्वर्टर आपको इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं। इसी तरह से आपको डाइनिंग एरिया का विजिट करवा देते हैं व्यूवर्स, ये आपका डाइनिंग एरिया है। इस डाइनिंग एरिया में आपको एसी इन्वर्टर मिल जाता है, डबल आपको फैंस फनूस मिल जाते हैं। ड्राइंग डाइनिंग इकट्ठे हैं, आप चाहें तो कल को इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से व्यूवर्स आपको आगे की जानिब लेके चलते हैं, आगे हम जा रहे हैं लाउंज एरिया की तरफ। जैसे ही आपको लाउंज एरिया में लेके आते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस साइज का लाउंज एरिया है। इस लाउंज एरिया में व्यूवर्स आपके 2 सोफा सेट इजीली लग सकते हैं। इसकी सीलिंग बहुत खूबसूरत है, राउंड सीलिंग की गई है, फैंस और फनूस आपको इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं, और इन्वर्टर भी आपको इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं। वॉल्स की डिज़ाइनिंग आप देखें, खूबसूरत डिज़ाइनिंग है, टोटल लाइट थीम का इस्तेमाल किया गया है, और फायरप्लेस आपको व्यूवर्स मिल जाती है। आपको आप किचन की तरफ लेके चलते हैं, ग्राउंड फ्लोर के फायरप्लेस आप देखें बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन की गई है, ये भी एक स्पेनिश डिज़ाइन में तैयार की गई है। आपको सबसे पहले किचन में लेके चलते हैं, उसके बाद बेडरूम्स का विजिट करवाएंगे। जी व्यूवर्स, जैसे ही आपको किचन के अंदर लेके आते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत काउंटर मिलता है। अमेरिकन स्टाइल में इस किचन को डिज़ाइन किया गया है। जितनी भी आपकी कैबिनेट है, ये कोई UV वगैरह की शीट नहीं है व्यूवर्स, ये वुडन की कैबिनेट्स हैं। जो इसके डोर्स हैं, जितना काम है ये लकड़ी में किया गया है। आपको पता है कि लकड़ी के जो किचन तैयार होते हैं, लकड़ी में बहुत ही महंगे किचन होते हैं। इस किचन की अगर हम लागत की बात करें तो तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए खाली इसके कैबिनेट्स का ही एक्सपेंस है, क्योंकि टोटल वुडन में। डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, आपको यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन मिल जाता है, कुकिंग रेंज मिल जाता है। आपको इसका सर्विस किचन भी दिखा देते हैं व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं इस घर का सर्विस किचन है, जिसके अंदर आपको बर्नर इंस्टॉल्ड मिल रहा है, और इसी तरह से व्यूवर्स यहाँ पे कुकिंग रेंज भी आपको इंस्टॉल्ड मिल रहा है। तो सर्विस किचन को भी बहुत खूबसूरत अंदाज से बनाया गया है, और इसकी सीलिंग आप देखें खूबसूरत रखी गई है, रोप लाइट भी आपको इंस्टॉल्ड मिल जाती हैं व्यूवर्स। अब आपको हम लेके चलते हैं बेडरूम की जानिब। किचन से हम आ गए हैं लाउंज एरिया में, और इधर से हम जैसे ही बेडरूम में जाने लगते हैं तो सामने आपको मोज़ेका काम मिलता है, जो इन दोनों बेडरूम्स की खूबसूरती को मज़ीद इंक्रीज कर देता है। अब व्यूवर्स आपको बेडरूम में लेके आए, फर्स्ट बेडरूम है, आप इसकी वॉल डिज़ाइनिंग देखें, खूबसूरत वॉल डिज़ाइनिंग है।
सामने आपको विंडो मिल जाती है, काफ़ी बड़े साइज़ की विंडो है, फीचर वॉल्स आप देखें, सीलिंग डिज़ाइन आप देखें, और बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। एलसीडी आपको यहाँ पे इंस्टॉल्ड मिल रही है। आपको इसका अटैच वॉशरूम दिखा देते हैं व्यूवर्स। इसका जो वॉशरूम है वो भी काफ़ी बड़े साइज़ का बनाया गया है। वार्डरोब सबसे पहले आपको मिलती हैं, और इसी तरह से आपको यहाँ पे आप देखें जगुजी बाथ वॉल हंग कमोड, और इसी तरह से व्यूवर्स टू वैनिटीज आपको मिल जाती हैं। जी व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं दो वैनिटीज हैं, प्रॉपर टाइल फ्लोरिंग वॉल्स के ऊपर, सीलिंग डिज़ाइन इसका खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही दिलकश काम किया गया। सेपरेट आपको बाथिंग कैबिन भी मिल जाता है, ये बड़ी अच्छी बात है। दोनों ऑप्शंस दी गई हैं। वार्डरोब्स आप देखें 6 सेक्शन में बनाई गई हैं। आपको स्टोरेज की कोई भी प्रॉब्लम कल को नहीं होने वाली, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं 3 सेक्शन में वार्डरोब्स होती हैं, ये 6 सेक्शन में बनाई गई हैं। तो व्यूवर्स, आपको सेकंड बेडरूम के अंदर लेके चलते हैं। जैसे ही आपको सेकंड बेडरूम के अंदर हम लेके आते हैं, तो आप वॉल्स के ऊपर देख सकते हैं खूबसूरत इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इन्वर्टर्स इंस्टॉल्ड, और सीलिंग डिज़ाइन बहुत ही प्यारा किया गया है। व्यूवर्स, इसी तरह से आप देखें प्रॉपर यहाँ पे खूबसूरत काम है, टाइल फ्लोरिंग खूबसूरत है, और विंडो वेंटिलेशन के लिए जो ज़रूरी है। और इसी तरह से व्यूवर्स आपको वॉशरूम में लिए चलते हैं। ये वॉशरूम में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको वॉल हंग कमोड मिलता है, और वैनिटी और प्रॉपर आपको बाथिंग कैबिन सेपरेट मिल जाता है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत इस घर का काम किया गया है। टोटल इसके जो शावर्स हैं वो कंसील्ड रखे गए हैं, कंसील्ड शावर्स के साथ आपको ये घर मिल जाता है। तो व्यूवर्स, अब आपको आगे की जानिब लेके चलते हैं, हम प्रॉपर इसकी मुकम्मल डिटेल देते हैं। पहले आप वैनिटी देखें, खूबसूरत वैनिटी है, मिरर्स यहाँ पे आपको लाइटिंग मिरर्स मिल जाते हैं। तो ये प्रॉपर आपको वार्डरोब्स दिखाई जा रही हैं, देखिए यहाँ पे भी वार्डरोब्स आपको बड़े साइज में मिल जाती हैं। DHA फेज 6 का ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही नफीस घर है जो हम आपके लिए आज लेके आए हैं। व्यूवर्स, अगर आप DHA में कोई भी अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करना चाहते हैं, तो आप हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। आपका प्लॉट है, आपका घर है, किसी भी किस्म की आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, आप अगर उसको सेल करना चाहते हैं, तो आप हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। व्यूवर्स, आपको हम ले आए लॉबी में। लॉबी में आपको एक बोर्डरूम की ऑप्शन भी मिलती है। इस घर की लॉबी को ट्रेवरटाइन मार्बल के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा नफीस लग रहा है। तो ये आप देखें, टोटल ट्रेवरटाइन को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे बनाया गया है। और व्यूवर्स, आपको फर्स्ट फ्लोर पे हम ले आए। फर्स्ट फ्लोर में जैसे ही हम आते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत लाउंज एरिया मिल जाता है। यहाँ पे इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है, LCD इंस्टॉल्ड है, पंखे, फनूस, हर चीज़ आपको इंस्टॉल्ड मिल रही है। सामने आपको गैलरी एरिया मिलता है जो इस लाउंज को कनेक्ट करता है, और फायरप्लेस भी मिल जाती है। जी व्यूवर्स, फायरप्लेस भी इस लाउंज एरिया में आपको मिल जाती है। तो इसी तरह से हम आपको आगे की जानिब लेके जाएंगे। आपको यहाँ पे 3 बेडरूम्स की अकोमोडेशन मिल जाती है फर्स्ट फ्लोर पे। पहले आपको हम किचन दिखा देते हैं। इसका किचन आप देखें, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किचन इसका डिज़ाइन किया गया है, और प्रॉपर आपको हुड इंस्टॉल्ड मिल रहा है, इलेक्ट्रिक स्टॉक आपको इंस्टॉल्ड मिल रहा है। फर्स्ट बेडरूम में जैसे ही आपको लेके आते हैं, तो यहाँ पे फ्लोरिंग आप देखें खूबसूरत है। वॉल्स की डिज़ाइनिंग मुझे इस रूम की बहुत प्यारी लगी है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। इन्वर्टर्स इंस्टॉल्ड हैं, और इसी तरह से सीलिंग डिज़ाइन आपको मिल जाता है। व्यूवर्स, फैंस आपको इस घर में इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं, आप इसकी फीचर वॉल्स देखें। और इसी तरह से व्यूवर्स, ये आपको यहाँ पे गैलरी एरिया काफ़ी बड़े साइज में मिलता है। आप इसे अच्छे वेदर के वक्त आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और इसी तरह से वॉशरूम इस बेडरूम का दिखा देता हूँ। तो इसमें आप देखिए जगुजी बाथ है आपको मिल जाता है, बाथिंग कैबिन आपको मिल जाता है, वैनिटी आपको मिल जाती है, बहुत ही खूबसूरत वैनिटी और बहुत ही खूबसूरत बाथिंग कैबिन आपको मिल जाता है। जी व्यूवर्स, आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत काम है। कंसील आपको कमोड मिलते हैं यहाँ पे, और आप देखें प्रॉपर कम्बिनेशन, आप देखें कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कमोड्स आप देखें, खूबसूरत कमोड्स हैं, और यहाँ पे आपको वॉकिंग कैबिन्स भी मिल जाती हैं। इसी तरह से व्यूवर्स, आपको नेक्स्ट बेडरूम्स का विजिट करवाते हैं हम, अगले बेडरूम्स भी दिखाते हैं और उनकी प्रॉपर खूबसूरती आपके साथ हम शेयर करते हैं। ऑनर ने बहुत ही नफासत के साथ इस घर को डिज़ाइन किया है, बहुत मेहनत की है, और माशाल्लाह इसकी मेहनत ऑनर की नज़र भी आ रही है। तो व्यूवर्स, ये गैलरी एरिया आपको दिखाया जा रहा है, बारबेक्यू पॉइंट आपको मिल जाता है गैलरी एरिया में, और बहुत ही प्यारा गैलरी एरिया है।
एक्सटिंग्विशर्स भी आपको मिल जाते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं हम नेक्स्ट बेडरूम की जानिब। तो व्यूअर्स, ये बेडरूम आप देखें, यह माशाल्लाह कमाल की इंटीरियर डिज़ाइनिंग, प्रॉपर इसके साथ गैलरी एरिया भी अटैच है। और यहाँ पेंटिंग आप देखें, ये 3D पेंटिंग है जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। सीलिंग डिज़ाइन इसका बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। और रोप लाइट भी इंस्टॉल मिल रही है। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको AC इन्वर्टर्स जो है वो मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पे प्राइवेट टेरेस भी आपको मिल जाता है। ये टेरेस तो बहुत छोटा है, सिर्फ खड़ा होने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते इस टेरेस पे। तो यहाँ से मैं आपको इसका अटैच बाथरूम दिखाता हूँ, बाथरूम का व्यू करेंगे, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, ये बाथरूम की लाइट ऑन कर दी है। और ये टाइल्स देखें, रगेड टाइप की टाइल्स हैं। वैनिटीज़ आप देखें, खूबसूरत वैनिटीज़ है, थीम बहुत ही प्यारी रखी गई है। आप चेक करें वैनिटी कितनी खूबसूरत लग रही है। प्रॉपर आपको यहाँ पे लुकिंग मिरर्स मिल जाते हैं। और टाइल्स आप देखें, खूबसूरत टाइल्स हैं। कमोड्स यहाँ पे व्यूवर्स आपको कंसील्ड मिलते हैं, कंसील्ड कमोड्स हैं, वॉल हंग कमोड्स लगे हुए हैं। ये चेक करें, बहुत ही प्यारा वॉशरूम है इस घर का, इस बेडरूम का सॉरी। यहाँ पे आप कंसील्ड आपको शावर मिल जाता है। टाइल्स देखें आप, स्पेनिश टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। और व्यूवर्स, यहाँ पे आपको जो शावर मिलता है वो रेन शावर मिलता है। या वार्डरोब्स देखें, खूबसूरत वार्डरोब्स है। इसी तरह से हम आपको आगे लिए चलते हैं। तो व्यूवर्स, आपको लास्ट बेडरूम का विजिट करवा देते हैं, आपको पूरे घर का ऑलमोस्ट विजिट करवा दिया है। व्यूवर्स, इस घर की जो डिमांड है वो 11 करोड़ की जा रही है, 11 करोड़ इस घर की डिमांड है। DHA फेज 6 का बहुत ही जबरदस्त लोकेशन पे ये घर है। 11 करोड़ व्यूवर्स इस घर की डिमांड ऑनर की तरफ से आस्किंग है। मज़ीद अगर हम बैठ के बात करेंगे तो कमी बेशी हो सकती है। तो व्यूवर्स, इतनी ज़बरदस्त ऑप्शन मेरा नहीं ख्याल कि आपको मिस करनी चाहिए। ये बहुत ही VIP और बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। ये लास्ट बेडरूम का आपको विजिट करवाया जा रहा है, इसमें भी आपको इन्वर्टर्स इंस्टॉल मिल रहे हैं। और गैलरी एरिया सेपरेट इसमें भी आपको मिल जाता है। और इसी तरह से व्यूवर्स, आप वार्डरोब्स देखें, सीलिंग डिज़ाइन देखें और वॉल्स की डिज़ाइनिंग देखें। ये गैलरी एरिया को भी कनेक्ट करता है, ये देखें जी, गैलरी एरिया को भी कनेक्ट कर रहा है। और इसी तरह से इसका दोनों तरफ से गैलरी एरिया लगता है, दोनों तरफ से इस बेडरूम को गैलरी एरिया लगता है। जो लोग सनलाइट के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं उनके लिए तो ये बेडरूम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो आपको इसका वॉशरूम भी मैं दिखा देता हूँ, ये वॉशरूम देखें आप। कमोड आपको इंस्टॉल्ड मिल रहा है, इसी तरह से व्यूवर्स, कंसील्ड कमोड, वैनिटीज, लुकिंग मिरर्स, बहुत ही प्यारा और नफीस काम। तो व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि इस घर की वीडियो आपको, ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो में लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं। व्यूवर्स, अपना ख्याल रखिएगा। दुआ अल्लाह पाक की ज़ात से कि जिन लोगों के पास अपने घर जैसी नेमत नहीं है, अल्लाह पाक उनको अपने घर जैसी नेमत अता करे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते अगली वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।